हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है क्लिनिक का 9811092140। हम यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं। आप जहां मर्जी जाके इसको अशोक क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, सब जानकारी आपको मिलती है, ताकि इसमें जनता का भला हो सके, लोग अज्ञानता से निकल सके। क्योंकि बहुत दुनिया छोटी छोटी बातों के लिए अज्ञानता के कारण ही इस काम में फंसी रहती है। आज हम बात करते हैं प्रोस्टेट की, गदूद का बढ़ना, प्रोस्टेट का बढ़ना। चालीस साल की उम्र के बाद या तो इन्फेक्शन के कारण, पानी वानी कम पीने के कारण, ज़्यादा गर्म दवाइयों का खाने, वहाँ इन्फेक्शन हो जाती है। प्रोस्टेट जो लेटने और पेशाब के रास्ते में एक अखरोट जैसी गिल्टी होती है, वो फूल जाती है। 45 साल की उम्र के बाद वीर्य डिस्चार्ज कम करता है आदमी, अपनी फैमिली में लग जाता है, तो भी ये फूल जाती है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सेक्स कम करना, उसके कारण प्रोस्टेट फूल जाती है, जिसको गदूद का बढ़ना कहते हैं। आम आदमी को उसका पता नहीं चलता, पता तब चलता है जब उसका पेशाब रुक रुक के आता है, रात को 6-6 बार पेशाब आता है। जब कभी कभार वो सेक्स करता है तो उसमें डिस्चार्ज नहीं होता, जब वीर्य फंस फंस के निकलता है तो डॉक्टर के पास जाता है, बताता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है, तो पता चलता है प्रोस्टेट बढ़ गई। आम आदमी को वैसे पता नहीं चलता, और इतने हम अवेयर नहीं हैं भी हर साल 6 महीने बाद सारे टेस्ट करवा लें। मैं हमेशा कहता हूँ ना, भी आदमी को टेस्ट करवाते रहना चाहिए। खून टेस्ट करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, छाती का एक्सरे करवा लो, इससे आदमी को बीमारियों का पता चलता है कि मैं फिट हूँ। साल में एक बार तो जरूर आदमी को करवाना चाहिए। तो इसका पता चलता है जब आदमी डिस्टर्ब होता है, प्रोस्टेट बढ़ना इसको बोलते हैं। BPH इसका नाम रखा हुआ है एलोपैथी में। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आदमी को दवाइयाँ लेनी चाहिए। एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है वो टेम्परेरी है, जब तक आप दवाई खाते हैं सिर दर्द की गोली की तरह, तब तक आपका पेशाब थोड़ा ठीक है या बंद के आता रहता है, लेकिन वो चीज़ प्रोस्टेट को ठीक नहीं करती, उसकी सूजन को, उसकी फलावट को ठीक नहीं करती। हम 200 साल से दवाई दे रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 101% हर्बल जड़ी बूटियों से दवाई बनी हुई है। इवन उसमें कोई आयरन, कोई सोना चांदी ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया, कीमती जड़ी बूटियाँ हैं उसमें जो उसको बिल्कुल ठीक करती है। हाँ, थोड़ा देर जरूर लगती है। आप आज दवाई शुरू करते हैं, 2 महीने बाद आप टेस्ट करवाइए, आपको उसका साइज़ कम मिलेगा। अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाएंगे, आपको खुशी होगी। वैसे भी आपको फीलिंग होती है 15-20 दिन बाद, 4 हफ्ते बाद, कि मेरा पेशाब ठीक आ रहा है, मेरा वीर्य का डिस्चार्ज ठीक हो गया है, मैं सेक्स कर सकता हूँ। यह दवाई अपने आप में थोड़ी बहुत ताकत भी देती है, और साइड इफेक्ट तो कोई इसका है ही नहीं, कोई नशा नहीं, कोई नींद की गोली नहीं, कोई दर्द की गोली नहीं। इसलिए आप हमारी दवाई जरूर ट्राई करें। टाइम जरूर लगता है, हम ऑपरेशन से भी बचा देते हैं ना। कितने महंगे ऑपरेशन आज देखा है आपने प्रोस्टेट के लिए। अस्पताल में जाओ, 4 दिन दाखिल हो, और फिर वो ऑपरेशन करते हैं, और बताऊँ जो ऑपरेशन करते हैं उसमें भी आपको 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर वो रिलैप्स कर सकता है, फिर प्रोस्टेट द्वारा बढ़ सकता है, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए बेटर है आप दवाइयों की तरफ चलें जो दवाइयाँ इफेक्टिव हों। मेरी दवाई है या आपको किसी और दवाई का पता है, लेकिन दवाइयाँ आयुर्वेद में ही कामयाब है। एलोपैथी में कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इसको कम कर दे, टिका तो कर देगी, कम नहीं कर सकती। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, और बार बार अपने साल में एक बार टेस्ट जरूर कराइए, छाती का एक्सरे कराइए। आपको कोई TB, खांसी, नाइलाज, काम, फेफड़े में गड़बड़ी तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड करिए, कोई लिवर, किडनी और प्रोस्टेट की गड़बड़ तो नहीं है। पेशाब की थैली ठीक है, खून के टेस्ट करवा लीजिए आप थोड़े से, उसमें आपको अपनी ताकत का पता चलता है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। पेशाब का टेस्ट करवाना चाहिए, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ऐसा जरूर होना चाहिए। कोई आपको शंका लगती है, दिक्कत लगती है,
तो डॉक्टर से, वैद्य से, हकीम से, जिसके ऊपर आपको भरोसा है उसको जरूर मिले, और जैसे वो एडवाइस करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली से हैं। आप अपनी ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब पे अशोक क्लिनिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दवाई आपने मंगवानी है आप खुद मिलें, अशोक क्लिनिक पीतमपुरा में है, डेली 10 से 6 बजे तक खुलता है। हाँ, ये दवाई हम कहें 10-5 दिन में असर करती है, कोई असर नहीं करती। जो लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं ऐसे सोचें, वो ऐसा ना सोचें, हम मेरे पर भरोसा करें और ट्रीटमेंट लें। लाखों पेशेंट इसके ऊपर ठीक हो चुके हैं। ये दवाई ऐसी नहीं बन गई भी कोई भी दवाई पीसी और बना के दे दी। दवाइयाँ ट्राई होती हैं, कई साल लग जाते हैं। मैं 1968 से प्रैक्टिस में हूँ, तब से ये दवाई मैंने बनाई हुई है। धीरे धीरे दे रहा था मैं, चल रही थी, लोगों की गुड रिपोर्ट आ रही है। शायद ही कभी कोई पेशेंट आता हो जो ठीक ना हो। मैं ये नहीं कहता मैं कोई भगवान हूँ, पर दवाई इफेक्टिव है। मुझे भरोसे के साथ मैं दवाई देता हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जब मर्जी दवाई ले सकते हैं। आप नहीं आ सकते, पूरी हालत भेजिए अपनी, पूरी हालत हमें व्हाट्सएप कर दें। जो ये नंबर है हमारा 98-110-92-140, ये व्हाट्सएप पे भी है। अपनी रिपोर्ट्स जो है व्हाट्सएप कर दें, फिर फ़ोन से बात कर लें इसी नंबर पर। हम देख के आपको बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना। वो दवाई आपको डॉक्टर से भी भेज सकते हैं। नमस्कार।